दोस्तों फिर से एक नए वीडियो पे आप लोग सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच मज़ेदार वेबसाइट के बारे में, जो दोस्तों सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनके लिए यह पांचों वेबसाइट काफ़ी मदद साबित होने वाला है। आप वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा आ चुका है, दुर्गा पूजा की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। दोस्तों हमारा सबसे पहला वेबसाइट है autodraw.com। इस वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे हम। और इस वेबसाइट में अगर आपको पेंटिंग बनानी आती हो या नहीं आती हो, आप कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के एक अच्छा सा पेंटिंग बना सकते हो। जैसे कि आपने कुछ भी पेंटिंग टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के बनाया है, उसके अनुसार से ये ऑटो ड्रॉ कुछ इमेजेस आपको शो कर दिया जाता है। और उस इमेजेस में से जो भी आपका पेंटिंग है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक झोपड़ी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो आती नहीं है लेकिन हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये ऑटो ड्रॉ एक झोपड़ी बना के देता है या नहीं। चलिए हम एक झोपड़ी, यहाँ पर एक छोटा सा घर बना देता हूँ। मैंने एक छोटा सा घर बना दिया हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ घर को यहाँ पर शो कर दिया है। और इसे हम सेलेक्ट करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फिर से एक घर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ घर यहाँ पर शो कर दिया है। इनमें से जो भी घर हमें पसंद है, जो भी पेंटिंग हमें घर का पेंटिंग पसंद है, उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट में करने के बाद इस घर को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, इसे मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमको कोई कंप्यूटर, एक हम लैपटॉप की स्क्रीन बनाते हैं, तो देखते हैं ये ऑटो ड्रॉ बना के देता है या नहीं। तो देखिए हमने एक लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप का इमेज यहाँ पर बनाया हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप ऑटो ड्रॉ की मदद से एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हो और इसे यूज में ले सकते हो एडिटिंग के लिए। यहाँ पर आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इसके बाद इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें हमको कलर फिल करना है तो यहाँ पर हम फिल में क्लिक करेंगे, इसके बाद कलर यहाँ से चूज करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसे फिल करा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई शेप बनाना हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ शेप दिए गए हैं, इसे आप बना सकते हैं। अगर टाइप करना हो कोई नेम वगैरह, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसे क्लियर करना हो तो यहाँ से आप इसे क्लियर भी कर सकते हो। अगर कोई भी इमेजेस को अगर आपको डाउनलोड करना हो बनाने के बाद, तो यहाँ डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, शेयर में क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट भी दिए गए हैं। तो ऑटो ड्रॉ की मदद से आप कुछ पेंटिंग्स बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है रिमूव बीजी। इस वेबसाइट में आप किसी भी इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव करा सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। बस आपको यहाँ पर अपलोड इमेज में आपके इमेजेस को अपलोड करना है और वो कुछ ही सेकेंड्स में आपको आपके बैकग्राउंड को रिमूव करके दे देगा। और आप आसानी से डाउनलोड आप उसे कर सकते हो। ये मेरा ओरिजिनल है और ये रिमूव्ड बैकग्राउंड है इमेज, और यहाँ से हम डाउनलोड करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक साउथ एक्टर का इमेज है, और अगर आप साउथ मूवी देखते हो तो आप इसे पहचानते होगे। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये इस एक्टर का नाम क्या है। और यहाँ से आप एडिट में क्लिक करके एडिट भी कुछ कर सकते हो, मतलब कि बैकग्राउंड वगैरह में कुछ अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हो। जैसे कि कोई कलर लगाना हो तो यहाँ पर कलर में क्लिक करके हम कोई भी कलर भी लगा सकते हैं, इसके बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है 10minutesmail.com। इस वेबसाइट के द्वारा आप 10 मिनट के लिए
आप एक मेल को यूज कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे आजकल फेक वेबसाइट भी आते हैं और उसे आपको आजमा के देखना हो तो आप यहाँ पर 10 मिनट्स मेल में आकर के एक मेल आपको दे दिया जाएगा और इस मेल का आप 10 मिनट तक यूज कर सकते हो। यहाँ से आप कॉपी करके इस मेल का यूज कर सकते हो। जैसे कि हम इस मेल में एक मैसेज सेंड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि आता है कि नहीं। चलिए हम इसे कॉपी कर लिए और यहाँ से हम इसे हाई लिख के सेंड कर दिए। हम एक मेल इस मेल में सेंड किए हैं, देखते हैं यहाँ पर इनबॉक्स में आता है कि नहीं। तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर इनबॉक्स में एक मेल सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक मेल आ चुका है। हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए इस मेल से एक मेल आ चुका है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक मेल को 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ और हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है फोटोपिया। इस वेबसाइट में आप ऑनलाइन फोटोशॉप की तरह ही आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप नहीं है तो इस वेबसाइट के द्वारा आप अपना फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे भी फोटोशॉप अगर आप एप्लीकेशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए पेड वर्जन पेड करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मगर इस वेबसाइट में आपको फ्री में फोटो एडिटिंग का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि फाइल में जा कर के हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के लिए आप एक कवर पेज बना सकते हैं, यहाँ पर इवेंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी एक आप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी आप यहाँ पर फोटो एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब कवर के लिए एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको प्रिंट निकालनी हो तो यहाँ पर A4 साइज, B4 साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर विड्थ, हाई, DPI यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस में दिया हुआ है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार से। इसके बाद यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, कस्टम करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करते हैं। इसके बाद हम एक इमेज को यहाँ पर जैसे कि ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक इमेज को ओपन कर लिए और इस इमेज में जो भी एडिटिंग करना हो, यहाँ पर काफ़ी सारी एडिटिंग टूल्स दिए हुए हैं, इसके सहायता से आप इसे एडिटिंग कर सकते हैं। क्रॉप करना हो तो क्रॉप में क्लिक करके आप यहाँ पर फिक्स रेशियो या फिक्स साइज में क्लिक करके आप यहाँ पर साइज दे करके इसे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं एडिटिंग टूल्स, आप यूज करके देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल में जा करके आप इसे एक्सपर्ट एज PNG, JPG, जो भी फाइल में आप इसे सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। JPG हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर सेट कर सकते हैं आप। इसके बाद सेव में क्लिक करते ही यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसकी सहायता से आप एक अच्छी फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ और हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है namecheck.com। आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और आप एक यूजर नेम ढूंढना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। आपके मन में जो भी यूजर नेम है वो आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं, किस किस वेबसाइट में अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए हम एक यूजर नेम यहाँ पर टाइप करते हैं, रोहन ड्रॉप। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं। देखिए सर्च करने के बाद जो भी यहाँ पर ग्रीन दिख रहे हैं जैसे कि .com, .net, .org, तो यहाँ पर रोहन ड्रॉप, .com, .net इन सभी में हमारा ये उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो हम इन सभी में वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए इन सभी जहाँ पर भी ग्रीन कलर का दिख रहा हो उन सभी वेबसाइट में हम ये यूजर नेम का उपयोग कर सकते हैं, इस यूजर नेम से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट सोशल मीडिया में काम करने के लिए काफ़ी यूजफुल है, यूजर नेम ढूंढने के लिए। तो ये थे कुछ top 5 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। अगर आपको अच्छा लगा हो, जो भी वेबसाइट आपको अच्छा लगा हो,
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और इस वेबसाइट के अलावे अगर कोई न्यू वेबसाइट आपके मन में है, आप जानते हो और उसके बारे में कुछ आपको मदद चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम न्यू वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।